सो और सब गाइस, तो कैसे आप? आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक सबसे अहम जो आपका सवाल होता है वो आपको बताने वाला हूँ। वो सवाल क्या है कि जब आप कोई स्टारमेकर या किसी भी एप्लीकेशन म्यूल या फिर कहीं भी सिंगिंग करते हैं, तो आपका एक सवाल होता है कि यार कौन सा फ़ोन या कौन सा ईयरफोन ज़्यादा बेटर रहेगा हमारी सिंगिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर रहेगा सिंगिंग के लिए, किसका माइक ज़्यादा बेटर होता है। तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। इससे अगर आप कोई फ़ोन बदलना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको अपना वाला फ़ोन नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंगिंग के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, तो आप वो परचेज कर सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीट देखें, कहीं स्किप ना करें, फिर आप कहीं स्किप कर देंगे तो आप जानते हैं क्या मिस कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो फिलहाल फ़ोन हमारे पास जो है वो है वीवो का Y15, और अगर दूसरे फ़ोन की बात करें तो फिर हमारे पास है हुआवी का भी, और अगर तीसरे फ़ोन की बात करें तो हमारे पास है एप्पल आईफोन, और उसके बाद अगर बात करें तो फिर है रेडमी यानी शाओमी। तो इन सब फ़ोन्स में अगर बात करें कि कौन ज़्यादा बेटर है, तो फिर अगर बात करें सबसे पहले जो आपका वीवो का है, तो इसकी तो इसमें 3.5 mm का जैक होता है, और इसमें आपका जो वॉइस क्वालिटी होती है वो नॉर्मल सी होती है। अगर आप सिंगिंग भी करते हैं तब भी आपकी नॉर्मल क्वालिटी ही आएगी, चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास वीवो का फ़ोन है उनको ये प्रॉब्लम आती होगी कि उनका जो ट्रेबल फ्रिक्वेंसी है या फिर जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आती होगी, तो वीवो के फ़ोन में इतना अच्छा माइक नहीं होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें आप एप्पल आईफोन की, तो एप्पल आईफोन में जो आपका माइक होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, 3.5 to 3.67 का जैक होता है, और साथ में आपका जो ट्रिबल फ्रिक्वेंसी है वो भी होती है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ होती है तो वह आपको होता है बेस, तो बेस इसमें ज़्यादा होता है। तो जिन लोगों के पास अगर आईफोन है तो उनको तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी सिंगिंग करने में, और उनको ट्रिबल फ्रिक्वेंसी भी अच्छी मिलती होगी, ट्रिबल आपका ज़्यादा अच्छा होगा, तो R&B ज़्यादा अच्छा होता होगा, तो सिंगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। वहीं अगर बात की रियलमी की फ़ोन की, तो रियलमी के फ़ोन में भी आपका जो 3.5 mm का जैक होता है और जो ट्रिपल फ्रिक्वेंसी होती है वो भी होती है, लेकिन बेस नहीं होता है। अगर आप सिंगिंग करते हैं, यानी कि अगर फ़ोन के माइक को यूज़ करके अगर आप सिंगिंग करते हैं तो आपका बेस आएगा, अगर ईयरफोन यूज़ करते हैं तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं अच्छी मिलती है। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है शाओमी। शाओमी का फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो शाओमी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, 3.5 mm का जैक, ट्रिपल फ्रिक्वेंसी, R&B एंड बेस, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है आपको एक सिंगल से फ़ोन में। अगर आपको यकीन ना हो तो आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं, चाहे वो शाओमी का चाहे कोई भी फ़ोन अगर आप उठा लें तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सिंगिंग करते वक्त। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको अगर अपनी वॉइस क्लियर चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, तो फिर इन फ़ोन को तो रखते हैं साइड में फिलहाल, बात करते हैं मुद्दे की। तो आपको देखिए क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ऑडियो लेज़र, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने फ़ोन का माइक यानी कि अपने ईयरफोन को लगाना है, चाहे उसमें माइक हो या फिर ना हो। आपको कैसे लगाने में आपको, मान लीजिए हमारा ये फोन है और हमारा ये ईयरफोन है, तो आपको क्या करना है, ऑडियो लेज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ अपना जो ईयरफोन है वो लगा देना है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा माइक कनेक्टिविटी का। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑडियो लेज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग आपको करनी है, सेटिंग करने के बाद जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उन पे सेटिंग करने के बाद आपको जो इंटरनल माइक है उस पर जस्ट सेलेक्ट कर देना है। इंटरनल माइक जो आप सेट करेंगे तो यहाँ पे जो आपका माइक्रोफोन ईयरफोन का जो यहाँ पे जो माइक होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जुड़ जाएगा आपके फ़ोन के माइक से। तो आपके फ़ोन का माइक तो वैसे भी ज़्यादा बेटर होता है वीवो के फ़ोन को छोड़ करके, वीवो के फ़ोन में इतना ज़्यादा बेटर नहीं होता है, लेकिन रियलमी और बाकी शाओमी और एप्पल और ओप्पो में भी आपका माइक अच्छा होता है। तो आपको करना क्या है, ऑडियो लेज़र को आपको जब ओपन करके इंटरनल माइक पर सेलेक्ट करके उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का अपना फ़ोन रखना है, और आपको ईयरफोन भी सेट कर लेनी है, और अगर आप चाहें किसी टेबल पर या किसी भी चीज़ पर आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ऐसे रख देंगे, रखने के बाद आपका जो माइक है वो आपके जस्ट साइड में होना चाहिए, आपके माउथ के साइड में होना चाहिए, आपका ईयरफोन लगा होना चाहिए। सिंगल ईयरफोन अगर आप लगाते हैं तो सिंगल ईयरफोन में आपका जो है वो अच्छे से एक साइड से करो कि अच्छा सुनाई देगा, और आपको समझ में आएगा कि आप किस स्केल में गा रहे हैं। तो आप जब भी यूज़ करें तो सिंगल ईयरफोन यूज़ करें, उसमें आपकी जो स्केल होती है वो डाउन अप डाउन नहीं होती है, वो सीक्वल से चलती रहती है। तो आपको ऑडियो लेज़र ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपको रखना है सेट, उसके बाद आपको अपना ईयरफोन लगाना है। ईयरफोन लगाने के बाद आपको सॉन्ग प्ले कर देना है, अपना स्टार मेकर में जाके या स्म्यूल में जाके या किसी भी एप्लीकेशन जो कि सिंगिंग की आती हैं उनमें जाकर अपना सॉन्ग ओपन कर देना है। उसके बाद आपको पूरा सिंक कर लेना है, सिंक करने के बाद आपको ईयरफोन में सुनने के बाद अगर आपको सही लगता है तो उसके बाद अगर आपको ईयरफोन जैसे ही अगर ईयरफोन निकालेंगे तो आपका माइक
यानी कि जो स्पीकर है वो काम नहीं करेगा। फिर आपको दोबारा से जाना है, दोबारा से जाने के बाद आपको इंटरनल से हटा के आपको स्पीकर पे करना है, तब जाके आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा, उसके बाद आपको सॉन्ग सुनाई देने लगेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें आपका फायदा ये होगा, आपका फोन कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ईयरफोन कोई भी हो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फोन का माइक ज्यादा बेटर होता है। लेकिन हाँ, खास करके ध्यान रखें वीवो को फोन ना होना चाहिए, क्योंकि वीवो के फोन में ज्यादा अच्छा माइक नहीं होता है। और बाकी अगर हुआवे के फोन की बात करें तो हुआवे का फोन भी उसमें भी ज्यादा माइक अच्छा नहीं होता है। तो फिलहाल ओप्पो, रियलमी, Xiaomi, Apple, इनमें से कोई भी आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, सारे के सारे बेटर हैं। और अगर आपको इन सब का जो मैंने जो ट्राई किया है सारे फ़ोन को लेकर के सारे डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग पड़े हुए हैं, आप जाके सुन सकते हैं और आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि हाँ कौन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ अगर आपको कोई चाहिए हेल्प तो आप मुझे फॉलो करें, फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज करें, जो भी आपको सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई तुरंत दूंगा, क्योंकि कमेंट में रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आऊंगा अगली वीडियो के साथ, इसको लाइक कीजिएगा, बाय।